को कानपुर के हुई हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी, पूर्व सपा नेता निजाम कुरैशी समेत अन्य 7 लोगों की जमानत की अर्जी शुक्रवार को खारिज हो गई। आपको बता दें कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार द्विवेदी ने पर्याप्त आधार न होने के चलते हयात समेत अन्य लोगों की जमानत की अर्जी निरस्त कर दी है। आपको बता दें कि शुक्रवार को कोर्ट में कानपुर हिंसा में 7 आरोपियों की 21 जमानत पर सुनवाई हुई थी। उपद्रव के मास्टरमाइंड और मौलाना मोहम्मद अली जौहर फैंस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हयात जफर हाशमी की ओर से जमानत पर तर्क दिए गए कि बंदी की शांति पूर्वक घोषणा की थी। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर एक दिन पहले ही घोषणा वापस ले ली थी, जिसके संबंध में पुलिस के अधिकारियों को व्हाट्सएप और फोन पर जानकारी दी थी। तो वहीं हयात के अधिवक्ता की ओर से कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच करने का तर्क दिया गया। यह कहा गया कि इससे पहले कोई आरोप नहीं हुआ। तर्क दिया गया कि 43 करोड़ की फंडिंग बताई जा रही है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक में एक खाता है जिसमें 3000 करोड़ बैलेंस है। इस पर विशेष लोक अभियोजन पंकज त्रिपाठी ने कहा कि पूरी घटना का सूत्रधार हयात है। यह घटना पूर्व से नियोजित थी, जिसके साक्ष्य पुलिस को मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।